नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव पुनिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ, पार्क हॉस्पिटल पानीपत से। आज हम जानेंगे घुटने से रिलेटेड समस्याओं के बारे में। तो ये हमारे घुटने का मॉडल है, घुटना का जो जोड़ होता है उसका। तो घुटने से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसमें हम हमारे मरीजों को दो वर्ग में बांट सकते हैं। एक है जो जवान वर्ग, यानी 20, 30, 40 साल की उम्र के लोग, और दूसरे है जो 50, 60 से ज्यादा उम्र के लोग। तो पहले वर्ग की बात करें, जो 20, 30, 40 साल तक की उम्र में जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या फिर स्पोर्ट्स इंजरी खेल के दौरान उनका घुटना मुड़ जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, या एक्सीडेंट के दौरान घुटने में डायरेक्ट चोट लग जाती है, उस तरह के मरीज हमारे पास कई बार लेट प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसमें हड्डी का कोई टूट फूट नहीं होती है। उसमें घुटने में हड्डी के अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मेनिस्कस, लिगामेंट्स, अगर हम इस घुटने के मॉडल में देखें तो ये मेनिस्कस होते हैं घुटने में, दो साइड में और भीतर की तरफ दो लिगामेंट्स होते हैं। तो ये लिगामेंट्स और मेनिस्कस घुटने की स्टेबिलिटी और कॉन्ग्रुएंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मरीज हमारे पास जो लक्षण लेके आते हैं वो होते हैं दर्द के, घुटने में झटका बनना, लचक बनना, ठीक से चल ना पाना, दौड़ ना पाना, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होना, और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना कर पाना। तो इस तरह के मरीजों का फिर हम इवैल्यूएशन करते हैं, उनको फर्दर एक्सरे, एमआरआई की स्कैन की नीड होती है, और उनकी चोट के मुताबिक जो जिस लिगामेंट या जिस मेनिस्कस में उनको चोट है उसके अनुरूप उनको इलाज का सुझाव दिया जाता है। आमतौर पर 70-80% घुटने में जो स्पोर्ट्स इंजरी और इस एज में जो चोट लगती है उसमें ACL लिगामेंट सबसे अधिक टूटने में देखा गया है, और जिसका हम हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे अस्पताल में काफी सफल तरीके से उपचार करते हैं, जिसमें हम दूरबीन का ऑपरेशन करते हैं। तो मरीज के शरीर पे ज्यादा कट्स नया लग के कम चीरे के साथ दूरबीन से ऑपरेशन किया जाता है, और मरीज पहले की तरह अपने डे टू डे लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स की तरफ लौट पाता है। अब हम दूसरे वर्ग की चर्चा करेंगे, जिसमें है 50-60 से ज्यादा उम्र के लोग। यह ज्यादातर आर्थराइटिस वाले लोग होते हैं, जिसमें घुटने में समय के और डिजेनरेटिव चेंजेस के हिसाब से घुटने का कार्टिलेज, या आम भाषा में कह लें ग्रीस, जो खत्म हो जाता है एज रिलेटेड, और घुटने में गैप बनने की समस्या आ जाती है। तो इन मरीजों में आमतौर पर चाल में लड़खड़ाहट, टेढ़ापन, दर्द और डे टू डे लाइफ का इफेक्ट होना ये देखा गया है। तो हमारे पास जो मरीज आते हैं कई बार अपनी बीमारी को काफी लेट स्टेज में लेकर के आते हैं, शुरुआती स्टेज में उनको काफी इधर उधर के उपचार करते हैं वो, जैसे लोकल प्रैक्टिशनर को दिखा लिया, बिना सलाह के कोई दवाई ले ली। तो उनसे ये अनुरोध है कि अपने एक बार नजदीकी जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है उनको अवश्य दिखाएं और उसके प्रॉपर टेस्ट करवाएं, जैसे कि एक्सरे, उसमें उनकी समस्या का सही तरीके से पता चल पाएगा और उसके बाद उसका इलाज हो पाएगा। तो इससे रिलेटेड जो है आर्थराइटिस है, जिनको ग्रेड 3 ग्रेड 4 आर्थराइटिस होती है घुटने की, उसमें हम रिप्लेसमेंट का सलाह देते हैं मरीज को, जिसमें हम हड्डी, जो घिसी हुई हड्डी है उसको हटाया जाता है और उसकी जगह मेटल का इम्प्लांट डलता है। इसको लेके भी कई प्रकार की भ्रांतियां हैं लोगों में कि हम पहले की तरह नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, घुटना सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए मैं मरीजों को यही सुझाव देता हूं कि सही टाइम पर और सही तरीके से करी हुई सर्जरी बेहद सक्सेसफुल आउटकम देती है, और हमने अपने मरीजों में यह पाया है, जो कि ऑपरेशन के बाद कुछ हफ्ते की फिजियोथेरेपी के बाद अपने पेन फ्री प्रीवियस लाइफस्टाइल की तरफ लौट पाते हैं, जिसमें डेली रोजमर्रा के काम करना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, ड्राइविंग कर पाना, यह पेशेंट पहले की तरह अपने पूर्ण रूप से पुराने लाइफस्टाइल पे लौट पाता है। तो समय पर अपनी समस्या को डॉक्टर के साथ डिस्कस करना और उसका इलाज लेना यह बेहद जरूरी है।
तो इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या हो तो जरूर आप हमारी परामर्श लें, हमसे मिलें। धन्यवाद।